हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल यूट्यूब चैनल से एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। मैं यूपी डीएलएड बीटीसी के एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन 2018 के रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन जिसे करना हो विद्यार्थी को, यहाँ पे हमें हमारा फुल पूरी वीडियो देखते रहें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं फ्रेंड्स, आपको बताते हैं कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले आप सरकारी रिजल्ट .com पर वेबसाइट पर आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर यूपी डीएलएड 2018 अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के उपरांत आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 300 रुपये है। यदि आप SC कैटेगरी से हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस 150 रुपये है। यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो आपकी फ़ीस 0 रुपये है। तो आपकी फ़ीस जो है ये डेबिट कार्ड से, चालान से और नेट बैंकिंग के थ्रू पे हो सकती है। यहाँ पर लास्ट डेट देख लेते हैं। लास्ट डेट दे रखी है 23/5 यानी 23 मई तक, इसके शाम 6 बजे तक होंगे ऑनलाइन और 11 तारीख से स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर एज देख लेते हैं। एज 18 से 35 साल उसमें लिमिट थी, 35 साल तक के बच्चे कर सकते थे। और उसमें जनरल कैटेगरी के लिए होना अनिवार्य है, बैचलर डिग्री में यानी ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने अनिवार्य है, जबकि SC वालों के लिए 45% मार्क्स होना अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स, ये पढ़ने के बाद सब कुछ यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद इसको कुछ ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। इसे इस सबको पूरा फिल कर लें। पूरा फॉर्म यहाँ से खुलेगा। इस पूरे फॉर्म को यहाँ से आप फिल कर लें। तदुपरांत आप इस पर क्लिक करके यहाँ कैप्चा कोड डाल दें। कैप्चा कोड डालने के बाद कंटिन्यू टू फोटो अपलोड पर क्लिक करें। यहाँ सभी प्रविष्टियाँ सही हैं। रजिस्ट्रेशन सबमिट करें। ऑल दीज एंट्रीज आर करेक्ट, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ओके पर क्लिक करें। आपका फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं। फ़ोटो साइन अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको, मैं बता देता हूँ, सर्वर थोड़ा स्लो है आज। यहाँ पर फ्रेंड्स अपना फ़ोटो अपलोड करें। उसके बाद यहाँ फ़ोटो अपलोड करने के बाद, फाइल चूज़ करने के बाद क्लिक हेयर टू प्रीव्यू फ़ोटो पर क्लिक करें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ टिक करें में क्लिक करें। सबमिट एंड वैलिडेटेड योर मोबाइल नंबर क्लिक करें। सॉरी, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ क्लिक करें। आज साइड में थोड़ी दिक्कत है, साइड में मैं आपको बता रहा हूँ अभी। फिर आप यहाँ क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा वापस आएँ और यहाँ पर पे फी एग्जामिनेशन पर जाएँ। पे फी एग्जामिनेशन पर रिक्वेस्ट बैंक पर आपको जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से आपका सबमिट करने के बाद में वो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिल करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर यदि आप जहाँ फिल कर देंगे, यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालने, जन्मतिथि डालने के बाद या जो कोड कैप्चा है आपके यहाँ डालने के बाद प्रोसीड टू सबमिट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद अपना आप नेट बैंकिंग या ATM कार्ड या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर देंगे। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारे वीडियो, हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। यही आपका